नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों मेरा नाम है जीतू, आप देख रहे हो जीतू टेक YouTube चैनल। तो आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपको बताने वाला हूँ कि काइनमास्टर जैसे हम वीडियो को एडिट करते हैं तो फ्रेंड्स कई बार क्या होता है कि वो जो वीडियो है यूज़ होता है एक्सपोर्टिंग के टाइम या फिर जो टाइम ज़्यादा लेता है या फिर जो है लगभग 90% होने के बाद जो है वो कैंसिल हो जाता है। तो फ्रेंड्स ये बहुत सारी जो प्रॉब्लम होती है ये हमें फेस करनी पड़ती है। तो आज मैं आपको इसी के बारे में बताने वाला हूँ कि ये जो मान लीजिए काइनमास्टर है इसके अंदर जो है कुछ आपको यहाँ पर सेटिंग करके आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका जो वीडियो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा, मतलब एक्सपोर्टिंग होते टाइम। अगर आपका भी वीडियो 10 मिनट का है तो एक्सपोर्टिंग होने में वो 15 से 20 मिनट जो एक्सपोर्टिंग होने में लेता है। और वहीं अगर बीच में अगर हमने बंद कर दिया, ज़्यादा देर तक रख दिया या फिर जो एक्सपोर्टिंग करके छोड़ दिया उसको चेक नहीं किया तो फ्रेंड्स वो जो काइनमास्टर जो एक्सपोर्टिंग कैंसिल हो जाएगा और वो हमें पता भी नहीं चलेगा। फिर हम आधे घंटे बाद उसको देखेंगे तो वहाँ पर जो है कैंसिल हो जाएगा और फिर हमें जो है 10-15 मिनट या फिर 20 मिनट जो है लगेंगे, तो उसको बार बार चेक करना पड़ता है। तो फिर आज के इस वीडियो में यहाँ पर आपको कुछ जो है सोल्यूशन आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ कि जो कैसे जो है आप है काइनमास्टर के अंदर जो वीडियो को थोड़ा सा फास्ट से एक्सपोर्ट जो कर सकते हो और आपका जो कैंसिल भी नहीं होगा। तो फिर ऐसी कुछ जो सेटिंग होती हैं जो मोबाइल कुछ सेटिंग जो मोबाइल के अंदर है, कुछ सेटिंग जो है काइनमास्टर ऐप के अंदर है। तो दोनों जो सेटिंग मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ और ये प्रॉब्लम पहले मेरे साथ भी होता था बट अब जो है इसे नहीं होता। तो फिर इसी के बारे में जो पूरी जानकारी आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो प्लीज़ यार वीडियो को एंड तक देखना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो, और साथ में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर देना है। तो फ्रेंड्स चलिए वीडियो को तो मोबाइल स्टार्ट की करते स्क्रीन हैं। की तरफ हम आ गए हैं और अब आपको यहाँ पर जो है सबसे पहली जो सेटिंग है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा कि सबसे पहले आप काइनमास्टर को ओपन करने के बाद यहाँ पर नीचे आपको एक सेटिंग का जो आइकन दिखाई दे रहा है तो फ्रेंड्स इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे आना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर मुझे भी चेक करना पड़ेगा कि वो सेटिंग जो कौन है एक्सटर्नल सेटिंग पर, क्या आपको क्लिक कर देना है कंटिन्यू एनालाइज पे। 1 मिनट इसको वापस वे करना है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर जो है चेक करना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स यही वो ऑप्शन है, यहाँ पर आप देख लीजिए डिवाइस कैपेबिलिटी इंफॉर्मेशन। ओके तो इस पर आपको क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर 3 डॉट पर क्लिक कर देना और रन एनालाइज नाउ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद फिर आपको यहाँ पर क्लिक कर दें तो फिर इससे क्या होगा कि आपका जो एक बार इसको कट कर देता हूँ। ओके तो फ्रेंड्स ये जो है इससे क्या होगा आपको मोबाइल के हिसाब से जो काइनमास्टर खुद ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स मेरी जो है पहले से मैंने एक बार किया था। ओके और उसके बाद फ्रेंड्स मैं आपको यहाँ पर जो ये जो सेटिंग है ये आपको सबसे पहले कर लेनी है। ओके उसके बाद ही मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा जैसे ये जो हमारा वीडियो है यहाँ पर आप देख सकते हो। ओके इस वीडियो को जब भी आप एक्सपोर्ट करो। ओके तो यहाँ पर मैंने क्लिक किया और यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो वीडियो है 349 MB का है। ओके तो इस वीडियो को यहाँ पर एक्सपोर्ट करो तो उससे पहले फ्रेंड्स आपको क्या काम करना है वो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा। सबसे पहले आपको यहाँ पर बैक जाना है होम बटन पर। ओके उसके बाद यहाँ पर जितने भी रिसेंट पेज है यहाँ पर आप देख लीजिए ये जो पेज है सारे आपको यहाँ से क्लियर कर देने। ओके एक जो काइनमास्टर वाला पेज रखना है इसको और यहाँ से जो है ये एक पेज रखना है। ओके और ये जो है उसके बाद एक्सपोर्ट कर सकते हो। ओके तो फ्रेंड्स क्या होगा इसे जो है आपको मोबाइल पे थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा और आपका मोबाइल जो है एक्सपोर्टिंग होने में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा क्योंकि ये जो रैम पर जो है थोड़ा प्रेशर कम पड़ेगा। ओके फ्रेंड्स और मैं आपको यहाँ पर एक बार इसको फिर से कैंसिल कर देता हूँ और आपको तीसरी जो सेटिंग है वो आपको यहाँ पर बता देता हूँ। तो आपको बस करना है कि आपको अपने मोबाइल को सबसे पहले फ्लाइट मोड पर कर लेना है। फिलहाल मेरा जो है फ्लाइट मोड पर आपको इसलिए करना है क्योंकि अगर बीच में कॉल आ जाए तो फ्रेंड्स ये जो कॉल आ जाए तो आपका जो काइनमास्टर एक्सपोर्टिंग है वो है जहाँ पर है वहीं पर स्टॉप हो जाएगा, फिर ना कैंसिल होगा ना कोई और। ओके ये प्रॉब्लम जो मेरे साथ होती है। तो आपको काइनमास्टर एक्सपोर्ट करने से पहले आपको जो वीडियो को जो है वो कर लेना है। ओके फ्रेंड्स यानी कि फ्लाइट मोड पर कर लेना है तो फिर इससे क्या होगा कि कोई भी कॉल आएगी तो वो आपको दिक्कत नहीं करेगी और आपका वीडियो जो है एक्सपोर्टिंग होने में थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा। ओके फ्रेंड्स उसके बाद यहाँ पर आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो रिसेंट वाले पेज भी क्लिक कर देने हैं और ये जो फ्लाइट मोड पे मोबाइल कर देना है। ओके फ्रेंड्स जिससे क्या होगा कि आपका मोबाइल जो थोड़ा सा फास्ट हो जाएगा और आपका वीडियो एक्सपोर्ट होने में टाइम है वो कम लेगा। तो फ्रेंड्स ये जो सेटिंग आप चेक कर लीजिए और फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है तो मुझे कॉमेंट करके बताइए, मैं उसका भी जो है सॉल्यूशन ज़रूर जो है ढूंढूंगा। तो फ्रेंड्स आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। बाकी फ्रेंड्स मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।